सुभस्मिता, आप सबको सुभस्मिता के चैनल में स्वागत है। आज हम मटन करी के साथ वाली कटहल की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम कटहल को काटेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कटहल काटने में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम क्या करेंगे ना, दोनों हाथों में हम तेल लगाएंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, रिफाइंड तेल या फिर सरसों का तेल, कोई भी तेल लगा सकते हैं, ताकि ये जो कटहल का जो गम होता है वो हमारे हाथों में चिपके ना। और हम थोड़ा सा नाइफ में भी लगा देंगे, उसके बाद हम काटेंगे। पहले हम कटहल का इस पार्ट को काट लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा कोई काम का नहीं है, इसका हम कोई कुछ भी नहीं बना सकते, तो इसे पहले काट के हटा देंगे। अब हम इसका पीसेस कर लेंगे। आपको जितने बड़े साइज या छोटे साइज में काटना है आप उसी हिसाब से काट सकते हैं। मैंने जो कटर लिया है इसमें थोड़ा थोड़ा बीज है, अगर आपको बीज पसंद नहीं है तो आप इसे निकाल सकते हैं, वरना बीज के साथ भी आप इसका बना सकते हैं करी। अब हम इसका छिलका भी हटा देंगे। जैसे मैं काट रही हूँ आप देख सकते हैं, आप उसी तरह काटेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इस बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में काट देती हूँ। आपको जितना बड़ा या छोटा पीसेस में काटना है आप उसी हिसाब से काट दीजिएगा। यहाँ मैंने एक बड़े साइज के प्याज को ऐसे स्लाइसेस में काट के ली हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ ली हूँ एक टमाटर को पीसेस में काट लिया है। इसके साथ ही 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक। पहले हम प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। अब हम कटहल को बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैं यहाँ एक कुकर लिया है। अब मैं कुकर में जो कटहल को काट के रखी थी उसे डाल रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, जितना हम कटहल डूब जाता है उतना ही पानी डालेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब हम इसका लिड कवर करके एक सीटी आने तक कुक करेंगे, मतलब बॉईल करेंगे। अब हम सारे पाउडर मसाला को एक बाउल में रख लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हूँ, जिसमें है 1 तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कटहल हमारा बॉईल हो गया है। अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में रख देती हूँ। इसका जो पानी है इसे हम नहीं फेंकेंगे, इसे हम करी बनाते समय इस्तेमाल कर देंगे। अब चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में। तो करी बनाने के लिए मैं यहाँ एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, इसलिए मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। अगर आप सरसों का तेल पसंद नहीं करते हैं तो आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सारे खड़ा मसाला डाल रही हूँ। अब मैं इस खड़े मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। अब हम इसमें प्याज, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखे थे उसे डाल देंगे और इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें इसे लो फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा प्याज का कलर लाइट ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इसमें जो टमाटर का प्यूरी बना कर रखे थे उसे डाल देंगे और इसे प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप जितना नमक खाते हैं उसके हिसाब से आप नमक डालिएगा। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें जो पाउडर मसाला जो निकाल के रखी थी उन सबको भी डाल देती हूँ और उसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ। दालचीनी का पाउडर डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब मैं इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ। अब हम इसमें कटहल को बॉईल करने में जो पानी इस्तेमाल किए थे उसे डाल देंगे और मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा ग्रेवी में थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा है। अब हम इसमें जो बॉईल करके कटहल को रखे थे उसे डाल देंगे और उसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। कटहल को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसका लिड कवर करके इसे 5 मिनट तक कुक कर लेती हूँ। 5 मिनट के बीच हमें इसका लीड ओपन करके बीच बीच में जलाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। यहाँ मैंने एक ग्रेवी वाला कटहल बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें आधा ग्लास पानी और डाल रही हूँ और इसे मैं कटहल के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और इसे मैं सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। मिलाते समय हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमें इसे हल्के हाथों से ही मिलाना है, नहीं तो कटहल हमारा टूट जाएगा। अब हमारा मटन करी के टेस्ट वाली कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। यकीन मानिए अगर आप मेरी तरह कटहल की सब्जी को बनाएंगे तो घर में सब आपकी तारीफ करेंगे। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।